हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू आवर न्यू वीडियो ऑन डेली न्यूज टेलर। आज हम डिस्कस करेंगे कोड ऑन वेजेस बिल 2019 के बारे में, जो कि कल लोकसभा से पास हो गया है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या है ये बिल, किस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, फुल डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए फॉर डेली न्यूज एंड करंट अफेयर अपडेट्स। जो कोड ऑन वेजेस बिल 2019 है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में ऑन 23 जुलाई 2019 वह मिस्टर संतोष गंगवार जी, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है एंड इंडिपेंडेंट इंचार्ज भी है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। और ये बिल कल पास हो गया लोकसभा से, यानी कि 30 जुलाई। और जो ये मेन मोटिव है इस बिल का, ये है कि जो भी ट्रांसपेरेंसी हो और जो अकाउंटेबिलिटी हो वेजेस को लेके, मिनिमम वेजेस को लेके, वो एक अच्छी लेवल पे हो और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छी हो। और जो ये बिल है बेसिकली चार एक्ट्स को रिप्लेस करेगा। वो एक्ट्स है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। और इनका कहना है संतोष गंगवार जी का कि ये एक्ट्स बहुत पुराने हैं, कुछ तो प्री इंडिपेंडेंस एरा के, जैसे कि ये वाला भी, और ये 50 साल पुराने हैं। ऐसे और भी लेबर लॉज है, मतलब यानी कि 17 मोर लेबर लॉज ऐसे जो 50 साल पुराने हैं, तो ये आज की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते किसी भी लेबर क्लास पर्सन के लिए या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करने वाले लोगों के लिए। ये एक्ट आजकल की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए कोड ऑन वेजेस 2019 बिल को इंट्रोड्यूस करा गया है और ये कल पास हो चुका है लोकसभा से। अब हम आते हैं कुछ की फीचर्स ऑफ कोड ऑन वेजेस 2019 बिल के। सो की फीचर्स कह लो या साइलेंट फीचर्स कह लो। पहला जो की फीचर है वो है कवरेज, कि क्या किन किन इस बिल के अंडर आएंगे, कौन कौन वर्किंग क्लास इस बिल के अंडर आएगा। सो बेसिकली इस बिल के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मिनिमम वेजेस कितने कितने होने चाहिए। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वो डिपार्टमेंट्स है रेलवे, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड ऑयल फील्ड्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल की जितने भी इंप्लॉयमेंट्स या फिर प्रोग्राम जो भी चलते वो स्टेट उसका इंचार्ज है। और इस बार अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी इसमें इंक्लूड करा गया है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि पेंटर्स जो आपके घर में पेंटिंग करते हैं, जो मतलब दीवार रंगते, और चौकीदार्स, और जो वेटर्स होते हैं रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ढाबे पे काम करते हैं, इनको भी अब एक मिनिमम वेज मिलेगी। पहले ये लोग इंक्लूडेड नहीं थे, अब इनको कोड ऑन वेजेस बिल 2019 में इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे कि इनको भी एक मिनिमम वेज मिले। और गवर्नमेंट कवरेज के दौरान वेजेस में सिर्फ सैलरी और कुछ जो अलाउंसेस है, जो भी मनी रिलेटेड अलाउंसेस है, उन्हीं पे फोकस करेगी। बोनस और ट्रेवल अलाउंस पे फोकस नहीं करेगी। और जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंक्लूड करा है, इससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 50 करोड़ पीपल को बेनिफिट होगा इस कोड ऑन वेजेस बिल 2019 से। सो जो दूसरा की फीचर है जो गवर्नमेंट ने ऐड करा है वो है फ्लोर वेज। बेसिकली फ्लोर वेज क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इतनी तो बेसिक होनी ही चाहिए एक वर्कर की। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये फ्लोर वेज डिसाइड करेगी कि वो वर्कर कैसी, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कहाँ वो रहता है। अब जैसे बॉम्बे के लिए अलग फ्लोर वेज होगी, कोई छोटे शहर में रहता है तो अलग फ्लोर वेज होगी, कोई विलेज में कोई वर्कर रहता है तो उसके लिए अलग फ्लोर वेज होगी। और ये जो फ्लोर वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट विद एडवाइस ऑफ एंड कंसल्टेंट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड करेगी। और जो मिनिमम वेजेस होगी वो फ्लोर वेज से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कोई एग्जिस्टिंगली फ्लोर वेज, सॉरी मिनिमम वेज अगर ज्यादा है फ्लोर वेज से, तो उसको रिड्यूस नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो तीसरा की फीचर है इस बिल का वो ये है कि गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज फिक्स करेगी, जो कि ये फिक्सिंग द मिनिमम वेज वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए अलग फिक्स करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग फिक्स करेगी। और अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वो मिनिमम वेज नहीं दे पाता तो एक वो प्रोहिबिटेड क्राइम होगा। और ये जो मिनिमम वेज है वो हर 5 साल में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंटरवली चेक करते रहेंगे कि ज्यादा है कि कम है। और जो इस मिनिमम वेज है वो डिसाइड करेगा कि वर्कर किस टाइप का काम करता है, कैसी उसकी डिफिकल्टी है, वो कितना अपना टाइम इन्वेस्ट करता है उस काम में। और जो बाकी के की फीचर्स है, ओवर टाइम पेमेंट ऑफ वेजेस डिडक्शन, ये बेसिकली ओवर टाइम, जैसे गवर्नमेंट कुछ फिक्स टाइम फिक्स करेगी कि वर्किंग आवर्स इतने इतने तक होने चाहिए, अगर कोई वर्कर से ज्यादा टाइम तक काम करता है तो उसको उस टाइम के पूरे पैसे मिलेंगे। और जो पेमेंट होगी वेजेस की वो या तो चेक के थ्रू होगी या फिर कैश के थ्रू होगी या फिर कॉइन्स के थ्रू होगी, जो भी हो, और या फिर अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू होगी।
और जो डिडक्शन होगी सैलरीज में, कुछ ये भी राइट से डिडक्शन रहने के, अगर कोई वर्कर अपने एम्प्लॉयर से कुछ एडवांस में पैसे ले लेता है या फिर ड्यूटी पे नहीं आता है, तो एम्प्लॉयर को उधर पूरा हक है कि उसकी सैलरी डिड्यूस करना, बजाय इसके अगर वो डिड्यूस करता है सैलरी तो उसको एक ऑफेंस माना जाएगा। और जो डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस है, जैसे अगर गवर्नमेंट कुछ एक फिक्स अमाउंट रखेगी कि इससे ऊपर के लोगों को बोनस नहीं मिलेगा, अगर वो वर्कर उससे कम कमा रहे उस अमाउंट से तो उसको बोनस मिलेगा, या तो 100 रुपीज का बोनस मिलेगा एनुअली, या फिर 8.83% उसकी वेजेस का बोनस मिलेगा उसको। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है कि जो भी फीमेल्स होगी उनको भी बराबर की वेजेस मिले, उनको भी बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले वर्किंग एरियाज में। और भी बाकी इसे एडवाइजरी बोर्ड से ऑफेंस है, ऑफेंस के बारे में तो अभी डिस्कस ही कर लिया है। इसमें बेसिकली ऑफेंस में 3 महीने की जेल होगी और 1 लाख की तक की फीस होगी, फाइन लगेगा अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयर को फुल वेज नहीं देता या फिर जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी उतनी वेज नहीं प्रोवाइड करा पाता। अगर आपको पूरा ये डिटेल में जानना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उधर से जाके इसे पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और डेली न्यूज एंड करंट अफेयर अपडेट्स मैं रोज लाता हूँ करंट अफेयर्स, एंड कोई फीडबैक हो मेरे लिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।